हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसबीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफई, अ मीटर ब्रिज, इंपॉर्टेंट मीटर ब्रिज, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट 50 ओम। तो देखो, ये मीटर ब्रिज वायर है, ये वाला ए बी, ये जो वायर ए बी है इसको मीटर ब्रिज वायर बोल रहे हैं, आर ए बी। इसका रेजिस्टेंस आर नॉट और 50 ओम बता रहे हैं, ये गिवन क्वेश्चन। ठीक है, पूरे रिज वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है। रेजिस्टेंस आर नॉट बाई टू, ये आर नॉट बाई टू है, तो देखो आर नॉट के लिए 50 रख देंगे, 50 डिवाइड बाई टू तो 25 ओम हो जाएगा। अंडर सेल ऑफ ई एम एफ ई बाई टू, ये ई बाई टू दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एंड गैलोमीटर जी यूज इन सर्किट एज शोन द फिगर, इफ द नल पॉइंट इज फाउंड 72, नल पॉइंट ऑब्टेन होने का मतलब इसमें करंट जीरो है, 72 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर कुछ पॉइंट डाल देते हैं, जैसे वाई डाल देता हूँ, यहाँ पर एक्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें नल पॉइंट ऑफ टर्न हुआ है जीरो। ठीक है, आगे कह रहा है इफ द नल पॉइंट इतना तो वैल्यू ऑफ आर वन एच, तो जो समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें यहाँ से करंट चलेगी आई, इसमें चलेगी ऐसे आई, यहाँ तक इसमें आई और इसमें भी आई, और इसमें करंट डिवाइड नहीं होगी, यहाँ से करंट ऐसे आ रही होगी तो इसमें करंट गई नहीं होगी, क्योंकि तो गैलोमीटर में करंट कितना आ रहा है जीरो, तो इसमें करंट डिवाइड नहीं हुई होगी, तो सीधी करंट ऐसे चली गई होगी आई, और ये आई और ये भी आई, है ना। तो आप पहले इस वाली आई की वैल्यू निकालो इसकी, ये मैंने लेट करी है क्वेश्चन में। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो किरचॉफ लॉ से निकाल लो सीधा, या किरचॉफ केवीएल से निकाल लो, या फिर जो है डायरेक्ट निकाल लो। तो डायरेक्ट निकाल लेता हूँ इस वाली करंट को, मैं क्लोज लूप बात कर रहा हूँ, इसमें नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं सी डाल देता हूँ, यहाँ डी डाल देता हूँ, तो लूप ए बी सी डी ए की बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें डायरेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, टोटल करंट आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप चाहो तो इसे किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इससे आसान है। टोटल करंट आई बराबर टोटल ईएमएफ, तो ई हो गया इस पूरी क्लोज लूप का, तो E, और टोटल रेजिस्टेंस लिखें तो इसमें इस वायर का रेजिस्टेंस, देखो तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसका 25 है और इसका आर वन है, और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है बिकॉज करंट सेम है। देखो, जब सर्किट में करंट रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है ना, और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड, तो वो सीरीज में होते हैं, तो ये तीनों सीरीज में हैं। तो इस पूरे वायर ए बी का रेजिस्टेंस हो गया 50 ओम, और इस वाले वायर का रेजिस्टेंस इस वाले का हो गया 25, और ये आर वन, ऐसे ये तीनों सीरीज में थे, इसीलिए ये करंट हो गया आपका ई अपॉन 75 प्लस आर वन। ये तो फर्स्ट केस हो गया। आप चाहो तो इसे किरचॉफ्स लॉ लगाइए, यहाँ से शुरू करिए या कहीं से भी शुरू करिए और ऐसा लगाइए, तो यही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, अब दूसरा सेगमेंट क्या है, इसमें दूसरा क्या करना है। तो देखो, इस वाले वायर की, इस पूरे वायर की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, मीटर ब्रिज है ना, मीटर ब्रिज वायर, रेजिस्टेंस आर नॉट, तो ये मीटर ब्रिज 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है, इस पूरे वायर का 100 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है, वो कितना है, 50 ओम, क्योंकि इस वायर की रेजिस्टिविटी और एरिया प्रोसेशन सेम है, रो और ए सेम है, तो लेंथ से डिसाइड हो जाएगा बेटा सारा, है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल है। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 50 ओम, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना, 50/100 ओम पर सेंटीमीटर, इसे लैम्डा मान लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1/2 ओम पर सेंटीमीटर। ये हो गया रेजिस्टेंस वायर का, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 1/2 ओम, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हाफ है, तो 72 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मान लो इसका, ए से वाई तक का रेजिस्टेंस, ये ए वाई 72 लेंथ, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1/2 × 72, तो ये हो जाएगा 36 ओम। देखो, इसकी यूनिट होगी ओम पर सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर 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 कट जाएगी, तो 36 ओम आएगा। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 1/2, तो 72 सेंटीमीटर निकालना है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई, ऐसे इस वाले वायर का वाई बी, इसका रेजिस्टेंस आर टू मान लेता हूँ, इसको निकालना चाहते हैं, तो देखो ये 100 सेंटीमीटर है, ये 72, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 28 सेंटीमीटर,
तो 28 लेंथ सेंटीमीटर लेंथ का डिस्टेंस निकालना, तो 1/2 इंटू 28 दैट मीन्स 14 ओम। अब देखो 36 + 14 पूरे का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ही दोनों 50 ओम। ठीक है, अब जरा समझते हैं आगे अगला स्टेप। अब मैं बात कर रहा हूं क्लोज लूप एक्स पाई बी सी और एक्स की, इसमें लगा रहा हूं मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। तो यहां से शुरू कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल लेट कर लेता हूं मैं वी एक्स है, तो मैंने लिख लिया वी एक्स। यहां से जब मैं यहां आऊंगा तो देखो ये मैं चल रहा हूं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट से ई बाई टू ज्यादा होगा, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी एक्स प्लस ई बाई टू इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल। अब इसमें कोई करंट नहीं जा रही, देखो आई जी जीरो है, क्वेश्चन में गिवन है ये करंट जीरो है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यही होगा, क्योंकि तो कोई इसमें करंट ही नहीं गई तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा। इसमें भी कोई करंट नहीं है, आई जीरो है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो भी इतना ही होगा। तो इस पॉइंट का वाई पॉइंट का जो पोटेंशियल आया ना, इस वाले वाई पॉइंट का पोटेंशियल वी वाई, ये आया वी एक्स प्लस ई वाई टू। अब यहां से यहां आ गई, तो देखो मैं अभी लिख लेता हूँ वी एक्स प्लस, मैं इस वाले पॉइंट तक आ गया वी एक्स प्लस ई वाई टू। यहां से जब मैं यहां चल के आया तो वी एक्स प्लस ई वाई टू। ठीक है, अब यहां से यहां जाऊं तो करंट की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलते हैं, तो ये प्लस रहा होगा और ये माइनस, हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना घट जाएगा, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी इस वाले पॉइंट से, तो इस पर इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी एक्स प्लस ई वाई टू, घट गया कितना, घट गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर टू घट जाएगा, तो माइनस का करंट है आई और रेजिस्टेंस है आर टू, आर टू की वैल्यू 14 ओम है, इतना घट जाएगा, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो ये और ये तो कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस सी पॉइंट सी का और बी का पोटेंशियल सेम होगा। यहां से हम यहां आए तो फिर प्लस से हम फिर माइनस चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो अब कितना हो जाएगा पोटेंशियल घट के, अभी इसको मैंने यहां तक लिख लिया, यहां से अब यहां लिखें तो कितना लिख सकते हैं, माइनस का आई इंटू 25 लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर हम एक्स पे ही पहुंच गए, तो ये एक्स का ही पोटेंशियल हो गया वी एक्स। ऐसे शुरुआत करो, यहां से देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी एक्स माना, यहां से चले लो से हाई चले तो प्लस का ई बाई टू हो गया, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, यहां पे आ गई तो यहां तक तो इतना ही रहा, फिर यहां से यहां गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई आर टू, फिर यहां से यहां आए फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई माइनस के 25, वापस वी एक्स पे आ गए तो इक्वल टू वी एक्स, तो इससे वी एक्स से तो वी एक्स कैंसिल हो गया। ई वाई टू माइनस आई आर टू कितना था 14, तो 14 आई माइनस के 25 आई इक्वल टू 0, तो ई वाई टू इज इक्वल टू ये हो गया 14 + 25, 14 + 25 हो गया 39 आई, ये 39 आई, और आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो ई वाई टू इक्वल टू 39 इंटू आई की वैल्यू है ई अपॉन 75 + R1, ई से तो ई कैंसिल हो गया, इसका से मल्टीप्लाई कर लो, इसका से मल्टीप्लाई 75 + R1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 78, तो R1 इज इक्वल टू 78 - 75, तो R1 इज इक्वल टू 3 ओम, तो R1 की वैल्यू आ गई 3 ओम। अब एक बच्चे के मन में एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर इसमें करंट कैसे जीरो, यहां का पोटेंशियल वी एक्स और यहां का वी एक्स प्लस ई बाई टू, तो करंट कैसे जीरो हो गया, तो जरा समझो, शायद ऐसा रहा होगा कि इसमें से करंट निकली मान लो आई वन ऐसे, और इसमें आप ऐसे बना लो, देखो मैं थोड़ा सा जल्दी बना देता हूं इस डायग्राम को, और यहां एक रेजिस्टेंस लग रहा है, यहां एक सेल लगा हुआ है ये नेगेटिव प्लस का, और ये रेजिस्टेंस है और ये गैलोमीटर है और कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहां से करंट निकली होगी आई वन ऐसे, और वो करंट इसमें ऐसे गई होगी आई वन, दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो कर रही होगी ऐसे आई वन, और इसमें देखो ये वाला सेल है ई बाई टू ई एम एफ का, ये करंट ऐसे निकाल रहा होगा आई टू, तो ये जो करंट होगी वो ऐसे फ्लो कर रही होगी आई टू,
तो इस वाली में करंट कैसे फ्लो कर रही है, इस वाली ब्रांच में वो देखो आप, इस वाली ब्रांच में कैसे करंट फ्लो कर रही है। ये नेगेटिव ही पॉजिटिव है, और ये रेजिस्टेंस लग रहा है, और ये गैल्वेनोमीटर है आपका, और ये कनेक्टेड है यहाँ। इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे जा रही होगी I1, और इस वाली ब्रांच में से करंट ऐसे आ रही होगी I2, तो डायरेक्शन कैसी दोनों की अपोजिट है। तो इन दोनों करंटों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो हो गया होगा बेटा, इन दोनों करंट का डिफरेंस जो होगा होगा वो जीरो हो गया, वो दर्शन अलग है ना बेटा, इसकी अलग है इसकी अलग है। तो I1 - I2 जीरो, तो I1 बराबर I2, तो ये करंट बराबर हो गए होंगे और दर्शन अपोजिट है। ये करंट फ्लो कराना चाहती है ऐसे, और ये करंट फ्लो कराना चाहती है ऐसे, और बराबर करंट होंगी इसलिए वो जीरो हो गया होगा, इसीलिए इसमें कोई ब्रांच में कोई करंट नहीं गई होगी। वैसे ये क्वेश्चन में गिवन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे आप समझिए, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। 3 ओम, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।